अभी हम एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं यदि परसेंटेज कंपोजिशन दिया है तो उस विषय में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो क्वेश्चन इस तरह से है देखिए अ कंपाउंड इज फाउंड टू कंटेन 11.2 परसेंट नाइट्रोजन एन 3.2 परसेंट हाइड्रोजन एच फोर्टी वन पॉइंट टू परसेंट क्रोमियम सी एंड 44.4 परसेंट ऑक्सीजन डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड तो यहाँ पर एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं परसेंटेज कंपोजिशन दिया है तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है एक टेबल बनाना है और जब टेबल आप बनाएंगे तो आपको जो हेडिंग है टेबल के जो हेड्स है कॉलम्स के हेड्स उसको याद करना अच्छे से तो अभी बैठ के याद कर लीजिए तो पहला है एलिमेंट्स तो कौन कौन से एलिमेंट्स है उस कंपाउंड में वो लिखेंगे वो क्वेश्चन से पता चल जाएगा फिर सेकंड है परसेंटेज कंपोजिशन तो वो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा मान लीजिए तीन एलिमेंट्स हैं अब मान लीजिए यहाँ पर चार एलिमेंट्स है ना यहाँ पर चार एलिमेंट्स इस क्वेश्चन में दिए अभी मान लीजिए ये ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं दिया है तो क्या कर सकते हैं तो टोटल परसेंटेज हंड्रेड होगा तो नाइट्रोजन का ऑक्स हाइड्रोजन का और क्रोमियम का ऐड करेंगे फिर हंड्रेड से माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा जो रिमेनिंग जो है वो फोर्थ एलिमेंट का वैसे थ्री एलिमेंट्स रहेंगे तो दो को जो दिया है ऐड करेंगे फिर हंड्रेड से सबट्रैक्ट करेंगे तो इसी टाइप का क्वेश्चन भी आता है ठीक है जब परसेंटेज कंपोजिशन किसी एक एलिमेंट का नहीं दिया रहता तो ऐसे करना है तो यहाँ पर लेकिन सबका दिया है तो इसलिए हम क्या करेंगे अभी इसको कॉपी करेंगे देखिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्रोमियम ऑक्सीजन ये भी चार एलिमेंट्स फिर परसेंटेज कंपोजिशन में ये भी दिए हुए हैं क्वेश्चन में दिए रहेंगे जैसे मैंने बताया यदि चार हैं तो तीन के दिए हैं ये नहीं दिया है तो ये तीन को ऐड कीजिए फिर हंड्रेड से सेपरेट कीजिए तो वो परसेंटेज कंपोजिशन हो जाएगा लास्ट वाले का कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आता है फिर नेक्स्ट है एटॉमिक मास हेडिंग याद कीजिए तो ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्रोमियम ऑक्सीजन सब का दिया हुआ फिर ये एटॉमिक मास यूनिट में लिखा है मैंने और इसको यदि ग्राम कन्वर्ट करते हैं तो ग्राम में एटॉमिक मास हो जाता है तो ये कोई दिक्कत नहीं है अभी नेक्स्ट देखिए एटॉमिक रेशियो तो ये दिया है ये दिया है ये दिया है क्वेश्चन देखिए तीन कॉलम तो इसमें ऑलरेडी आपको क्लियरली क्वेश्चन से मिल जाएगा अभी ये कॉलम है जिसमें आपको कैलकुलेशन करना है तो ये इम्पोर्टेंट है तो इसलिए ये फटाफट क्वेश्चन से कॉपी करेंगे और इसमें कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन क्या करना है एटॉमिक रेशियो मतलब परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड मास एटॉमिक मास तो एलेवन पॉइंट टू डिवाइडेड बाय फोटीन इसका थ्री पॉइंट टू डिवाइडेड बाय वन फोर्टी वन पॉइंट टू डिवाइडेड बाय फिफ्टी टू फोर्टी फोर पॉइंट फोर डिवाइडेड बाय सिक्सटीन, देखिए साहब वैल्यूज यही है आपको डिवाइड करना अभी इलेवन पॉइंट टू डिडेड बाई फोर्टीन आपको एक्चुअल डिविजन करना है और लिखना है यहाँ पर पॉइंट में आ सकता है कोई बात नहीं है तो ज़ीरो पॉइंट एट आया इसमें ठीक है और हाइड्रोजन का थ्री पॉइंट टू डिवाइड बाई वन तो थ्री पॉइंट टू आ गया क्रोमियम का फोर्टी वन पॉइंट टू डिवाइड बाई फिफ्टी टू ये ज़ीरो पॉइंट एट आया और ऑक्सीजन का टू पॉइंट एट आया सेम तरीके से तभी हम देख रहे हैं ये कुछ फ्रैक्शंस डिसिमल्स में आ गए तो अभी इसको हम क्या करेंगे मिनिमम वैल्यू से डिवाइड करेंगे जैसे तो ज़ीरो पॉइंट एट मिनिमम है तो ज़ीरो पॉइंट एट से डिवाइड करेंगे तो जीरो पॉइंट एट डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट एट वन थ्री पॉइंट टू डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट एट फोर आया तो ये स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड किया है ठीक है और जीरो पॉइंट एट डिवाइड बाई जीरो पॉइंट एट वन टू पॉइंट एट डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट एट तो थ्री पॉइंट फाइव आ गया तो यहाँ पर यदि होल नंबर में आ गया तो बहुत बढ़िया नहीं तो और एक कॉलम आप बना सकते हैं नहीं तो इस ये दोनों को मर्ज करके इसी में लिख सकते हैं जैसे थ्री पॉइंट फाइव आया फ्रैक्शन में तो नंबर ऑफ़ एटम्स फ्रैक्शन में नहीं हो सकता इसलिए हम इसको होल नंबर में बनाएं तो कैसे करेंगे थ्री पॉइंट फाइव इंटू टू कर देंगे तो हमने डिसाइड कर लिया इसको थ्री पॉइंट टू फाइव को इंटू टू करना है तो सबको करेंगे तो वन इंटू टू टू फोर इंटू टू एट वन इंटू टू टू थ्री पॉइंट फाइव इंटू टू सेवन तो अभी ये जो लास्ट में जो होल नंबर आया तो ये दिखाता है कि नाइट्रोजन कितने एटम्स है उसमें और हाइड्रोजन कितने एटम्स है क्रोमियम कितने हैं ऑक्सीजन कितना तो इसलिए नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन एट क्रोमियम टू ऑक्सीजन सेवन तो ये हो गया जो है नंबर ये एक एलिमेंट्स में लगा दीजिए ठीक है तो ये हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला